आप देख रहे हैं फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंगू। दोस्तों बने रहेगा अपने इस चैनल फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल पर, बजाते रहेगा फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों देवगढ़पुर से आज बेहतरीन प्रस्तुति लेके आ रहे हैं, जिसको प्रस्तुत किया है जय भारत गुड्डू सिंह संगीत पार्टी हलोर जिला राय बरेली। तो हमारे नए रिश्तेदारों से अनुरोध है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नगद कैश अब हम चलेगा अपन घर बनवाओगे। महारानी तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। ये बताओ वो पृथ्वी सिंह वो राजकुमार कहां गायब है, कहां छुपे हैं वो? मुझे नहीं मालूम कि महामंत्री पृथ्वी सिंह कहां है। दूसरा बच्चा वो कहां है ये भी नहीं मुझे मालूम। तुम्हें सब कुछ मालूम है? मुझे नहीं मालूम। तुम आसानी से सब कुछ बता दोगी। महारानी बताओ पृथ्वी सिंह कहां है दूसरा लड़का लेकर? अरे दरिंदो, मैं नहीं जानती कि मेरा दूसरा बच्चा कहां है, मुझे कुछ नहीं मालूम। महारानी याद रखो, अगर तूने दूसरा बच्चा ना बताया तो तुम्हारी गोद में जो बच्चा है ना, हम काट कर दो खंड कर देंगे इसके। वो कहां है दूसरा? शमशेर सिंह ये इस तरीके से नहीं बताएगी, छेद करके इसके बच्चे के दो टुकड़े क्या दो कब बताएगी। महाराज जनरल सिंह घबराओ नहीं, ये सब कुछ बताएगी। कुछ नहीं मालूम। नहीं है, मैं आपके हाथ जोड़ती हूं और आपके पैर पड़ती हूं। मेरे बच्चे का कुछ अब भी वक्त है महारानी, अब भी वक्त है कि बता दो कि वो दूसरा तुम्हारा बच्चा कहां पर है। तुम्हें नहीं मालूम? अरे कभी सब कुछ मालूम है तुझे शमशेर सिंह, ये इस तरीके से नहीं बताएगी, इस तरीके से नहीं बताएगी। बताओ मारी कहा दूसरा था, कहा है? अगर तुम दोनों में किसी ने होशियारी करने हाथ ऊपर होशियारी करने की कोशिश की तो कसम मां भवानी की, तुम्हारी दोनों की खोपड़ी आसमान में उड़ेगी। सामने आओ, सामने आओ और एक दूसरे के कान पकड़ो। क्या देख रहे हो? नंबर एक और तुम्हें एक दूसरे के कान पकड़कर
उठा बैठी करना है। क्या सोच रहे हो? पकड़ो कान पकड़ो, और कहना यही है, पकड़ो दोनों कान, करो बस तोबा तोबा। अगर तुम्हारी दोनों की जुबान रुकी तो हमारी गोली चलेगी। पकड़ो। जरा सिंह, मौका निकालने के बाद देखा जाएगा। क्या सोच रहे हो? पकड़ो दोनों कान, करो बस तोबा तोबा। बंदर, बंदूक लेकर क्या है हम लोगों को? डालाइक आप, ये लगता है कि महारानी जी का ही बुलाया ये है, जो आकर के बंदूक दिखा करके इस बच्चे को उठा करके ले गया। जब सैला शमशेर सिंह बना दूंगा बैला, कम बोला करो, नहीं जा रही यही खड़े रहो, पीछे हटो, मैं जितना कहता उतना करो, महारानी के सर से दांत छीन लिया जाए। और ये दुसाना भी ले लो, महारानी आसानी से बता देगी कि ये कौन था और दूसरा बच्चा है कहां। आज से हथकड़ी खोल ली जाए और कंधे से दुपट्टा छीन लिया जाए। पटहरा दुसाला है जरार सिंह, मारा जरार सिंह। अब महारानी से पूछो कि ये कौन था और दूसरा बच्चा है कहा है, सब कुछ बता दूंगी। सब कुछ बताओगी महारानी जी? मैं सीधी तरीके से भी आपसे पूछ रहा हूं, ये बता दीजिए कि तुम्हारा दूसरा बेटा कहा है और चलो बच्चे को लेकर गया है, ये कौन है? साफ साफ मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानती कि मेरा दूसरा बेटा कहाँ। तुम्हें नहीं मालूम है तो महारानी कौन? अरे सोचती हो खरी, अरे बता दीजिए कैसे मैंने मारा, कब हो रोज को मार डालूंगा मैं तो। बताओ कि तुम्हारा दूसरा बेटा कहां है? सेनापति अपने अंतर को काबू करे, सेनापति अपने अंतरी को काबू करे, लाल का मेरे कुछ ना बना पाओ। अपने हाथ
भी चाहे वो मुझको बच्चों का पता नहीं बताओगी। आज तुम अगर बच्चों का पता नहीं बताओगी तो सोचना तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। और बच्चों का पता तुझको बताना पड़ेगा। आसान मौत तुझे नहीं दूंगा। अरे तुझे तो महारानी मैं तड़पा तड़पा करके मारूंगा। ए बुद्धिलाल शमशेर सिंह महाराज राव सिंह ऐसे गिरफ्तार कर गए। शांत हो जाओ। जेलखाना डलवा दो साली को। 24 घंटे के अंदर सब कुछ बता देगी। दरबारियों सबसे पहले हमारी बात सुन लो। डाल दिया हाथ पे हथकड़ी। यहां से ले जाओगे कैद खाने में डाल देना। लेकिन एक बात याद रहे। कौन सी बात याद रहे? महारानी को खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा। तो कैसे जिए? मतलब कुछ नहीं दिया जाएगा तो मर जाएंगे। हैं? तो जिंदा रखने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा। दिया कुछ नहीं जाएगा। कोई बात नहीं दिया जाएगा। और 24 घंटे के अंदर सिर्फ एक लोटा जल, चाहे उससे स्नान करें या उसे पिए। अगर अन्न का दाना किसी ने दिया तो वो कर्मचारी जिंदा नहीं रहेगा।
आपके हुक्म के द्वारा कुछ नहीं करा जाएगा, जो कहेंगे वही ले जाओ। बंद कर दो चिंदानी। शमशेर सिंह नाम आलम किस मिट्टी की बनी है साली, इसने अपने बच्चे का पता नहीं बताया है। घबराओ नहीं राजा, महाराज जवाहर सिंह आप हो गए, अब चिंता करने की कोई बात नहीं, सब अपने कब्जे में है। आ जाए तो कल, अगर नहीं बताएगी तो मार डालेंगे साली को। लेकिन एक बात और याद रखना, शमशेर सिंह केवल पृथ्वी सिंह की तलाश जारी रहे, शाला उसे घसीटते हुए दरबार में लाओ, अरे था उसे गोलियों से भून दो। मैंने कहा था दरिया में कुत्ते ही कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, घबराओ नहीं, शांत हो जाओ। अब यहाँ का महाराज कामपुर का महाराज चुनाव शमशेर सिंह, आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। शमशेर सिंह आज मैं बहुत खुश हूं, आज तुम्हारे जी में जो भी आए मांग लो, मांग लो, मैं आपके मुरादें पूरी करूंगा, मैं वादा करता हूं। शमशेर सिंह आप मुझे इनाम देना चाहते हैं? महाराज जवाहर सिंह आप इनाम मुझे देना चाहते हैं? इनाम हम लेंगे लेकिन आज नहीं। क्या वादा करो, जिस समय जो भी इनाम हम मांगेंगे आपको देना होगा। इसका मतलब आज आप इनाम नहीं लेंगे? आज इनाम हम नहीं लेंगे। कभी वक्त आएगा तो आप इनाम मांगेंगे? वक्त आने पर हम इनाम मांगेंगे तो आपको देना होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ शमशेर सिंह, जिस तरीके से तुमने दोस्त में मेरा भरपूर साथ दिया है, आज मैं वादा करता हूँ, सौगंध खा करके कह रहा हूँ, कब तुम जिस वक्त आज का मांगा हुआ इनाम मांगोगे, ये चुनावर सिंह उस वक्त देगा। जवाहर सिंह और एक बात और ध्यान में रहिएगा, जिस समय जो भी नाम हम मांगेंगे आप देना होगा। मैं वादा करता हूं आपसे, अगर बीच में कोई चाल कोई छल किया तो याद रहे जवाहर सिंह। अरे यार, ये शमशेर सिंह जिसको राजा बना सकता है उसे मिटा भी सकता है। शमशेर सिंह तुम गलत सोच रहे हो, मैंने तुमसे वादा किया है, वो वादा तुम्हें पूरा करके दिखाऊंगा। वक्त आने पर अपना इनाम मांग लेंगे। ठीक है, जय हिंद। जय मां भवानी। साथियों तुम जानते हो ये तुम्हारा सरदार रूपेश इस बच्चे को मौत के मुंह से लाया है। हाँ जरूर लाएंगे, हो गया, हम तो वर्दे पर है, आप तो कह गए थे। वैसे देखने में तो बहुत सारे देखे में काला एकदम है। हाँ हाँ साथियों, इस बच्चे का रंग काला है, इसका नाम क्या रखा जाए? अब इसको नाम आप रखिए, ऐसे हम चोर डाकू जंगल में रहते हैं, उसी हिसाब से नाम रख दिया जाए। देखिए इस बच्चे का रंग काला है, इसलिए हम इसे प्यार से काली कह के पुकारेंगे। शक्ल भी वैसे है और नाम भी वैसे है, क्यों नहीं। और मेरे पास कोई औलाद भी नहीं है, चलो एक दिन ये बच्चा मेरी बुढ़ापी का सहारा होगा। अगर बुढ़ा जाएंगे दोनों लोग तो कौन खिलाएगा, क्यों नहीं। तो आखिर का नाम काली, काली प्यार से इसे हम काली कहेंगे, काली भैया। हाँ चलो ले चलो इसे, इसकी परवरिश गुफा नंबर 14 में होगी।
कोई बात आओ मेरे साथ। साजन मेरा सुपार है, सलवन के आगे ऊंचा हार है। पृथ्वी सिंह बैठे रहते हैं। दोस्तों कहानी का दूसरा अंग देखिए, जिस बच्चे को पृथ्वी सिंह ने शमशेर सिंह और जवाहर सिंह से बचाया था, वो बच्चा अब सयाना हो गया है, कम से कम 20-22 बरस का। देखिए दोस्तों बुद्धिलाल कहां चला गया? लाइटरिंग हाँ भाई, बताइए हमारे लिए क्या सेवा है? जाओ देखो बुद्धिलाल और मेरा बेटा गोरा दोनों अखाड़े पर होंगे। कोई बात नहीं, उन्हें बुला कर ले आओ। अच्छा अच्छा नमस्कार, गोरा भैया आ रहे हैं आज, उनका कष्ट कह देना। हाँ जोन जोन हाथ मारा है बुद्धिलाल, क्या हो रहा है? हाँ तारीफ है चाचा, बतावा है। मेरी तारीफ? हाँ। किस बात की? खाए पिए के, खाए पिए के, खाए पिए के। हाँ आज हम तुम्हारी शिकायत पिताजी चाचा जी से कहेंगे। करो, करे करो, चलो तुम हमारे करो, हम तुम्हारे करें। अच्छा तो ठीक है, चलिए। बेटा गोरा, ये बुद्धिलाल कह रहा था कि आज अखाड़े पे मैंने गोरा को प्राप्त कर दिया। हो सकता है, लेकिन चाचा जी आपसे इनकी एक शिकायत है। वो कौन सी शिकायत है? आप मेरे लिए दूध भिजवाते हैं ना, तो मुझे दूध नहीं मिलता, दूध का पानी मिलता है, पानी पीने के लिए। दूध में पानी मिला के देते हो? दूध में पानी नहीं मिलाई, कि हमसे पूछिए बुद्धिलाल कि ऊपर का आया है, तो हम कह दिया दूध का मैल कुचैला है। अच्छा, कहीं हम मैल कुचैला नहीं खाई थी, तो वही काम उतार के मैल कुचैला हम खा ले, दूध भैया पिया दे। अच्छा बुद्धिलाल, आज जरा वो मैल कुचाल की ताकत देखेंगे हम तुम्हारी। अरे मैल कुचाल में बहुत 3.5 बार हारे हैं, तो पीएल लो शमशीर और जंग के लिए तैयार हो जाओ। बुद्धिलाल मैं तुम्हें से लड़ूंगा, जो आपने मुझे हाथ सिखाया है हम भी तो देखें कि। अच्छा ये बताओ, हाँ 6 लाइन से लड़ी हो कि 4 लाइन से? ये 6-4 क्या है? 6-4 क्या है? और मदुई है। अच्छा 6 मच्छा नहीं, हम सिर्फ तुम्हीं से लड़ेंगे, ये 6-4 नहीं, सिर्फ तुम्हीं से लड़ेंगे, तुम्हीं से। हमसे ना लड़ो। क्यों? नहीं हमारे मार में एक दही आदमी ऊपर नहीं कर रहा था। अच्छा तो चलो ठीक है, हम भी तो देखे कि तुम्हारे मार में कितनी और बाजू में कितनी ताकत है। चाचा के सामने बेइज्जती करा लियो खटाके। अच्छा अबे खटाके बेइज्जती, तैयार हो जा। मजा आ गया? धार बहुत तेज है। अच्छा आए मेरी तलवार, तुझसे मैंने इंदिरा नहर खोदा, ना जाने कितने कोहड़ा काटे, आज गोरा भैया की मुंडी काटना है। पहले धांस ले ओ। मेरे दाहिने हाथ, तुमने हमें दो दो मैटिंग
खाना खिलाया है। आए मेरे बाएं हाथ, तुमने हमें सोचाया है। अच्छा, बहुत होशियार हो तुम। पूछो क्यों? क्यों? तुम अकलमंद हो, हम बेवकूफ। अच्छा, जो तुम हमारे में चले आओगे। आज रेडी तुम्हारा घर द्वार वाले रंडी हुआ। क्या कहा? रंडी बना रहे हो हमका? अरे मैं लड़ जाई, एक दारू लड़ जाई, लड़ जा। जैसे अब लड़ी तैसे हमका मार दे तलवार। हाँ होशियार। सुट से मर जाई। होशियार। लड़ जाई। तुमका हंस परी चुप। अरे अब हम परिवार नियोजन के सदस्य हो गए ना है, कहो पहुंची नहीं हूं वाले। हाय हाय, बराबर है, लड़ाई चालू। होशियार। ये बेकाम हो गया है। चाचा जी, ये दो घंटे से धांस रहा है। ये तो है गोरा। तलवार बाजी के हाथ देखकर मैं बहुत खुश हुआ, और मैं ये चाहता हूं कि जो दो चार हाथ वो दिलाल ने नहीं बताया वो हम तुम्हें बता देंगे। आ मुझे क्या हुआ? तो मेरे साथ तलवार बाजी के हाथ सीखोगे? आ मैं बताऊंगा। हाँ? अच्छा ठीक है, शाबाश। ये क्या गोरा, तूने जंग में तलवार फेंक दिया? और जंग में फेंक तलवार है तूने दिया। और क्या बताऊं तुम्हें,